आज ही घर का काम शुरू होना था मेरे प्लाट पे, तो सारा प्रोग्राम खराब हो गया, ये बारिश हो गई है। अभी आ चुका आपने के पास पुदीना जो लगाया हुआ है मैंने क्यारी में, पुदीना देखें कितना जबरदस्त हो चुका है, इतना बड़ा बड़ा हो गया। पुदीना इधर है, ये पुदीना है सारा हमारा जो मैंने क्यारी में लगाया था जब नजर गई थी, तो देखें कितना बड़ा बड़ा हो गया। और इधर हमारा धनिया भी लगा हुआ है, धनिया भी देखें कितना जबरदस्त हो गया, अभी निकल रहा है, कितने प्यारे प्यारे पत्ते निकल आए हैं। अभी आज मैंने सोचा है कि पुदीने को थोड़ा सा ट्रिम करते हैं, तो अभी कैमरा पकड़ाऊंगा मैं फादी को, फादी इधर है और फादी बनाएगा वीडियो मेरी और मैं करता हूँ पुदीना ट्रिप में ट्रिम। मुझे फादी ने बोला, नजर ने बोला था और लकिया के अबू ने भी कि इसको थोड़ा ट्रिम करेंगे फिर ये और ज़्यादा बड़ा होगा, जल्दी बड़ा होगा। अभी इसको करते हैं ट्रिम और आप साथ साथ आपको दिखाता हूँ। पुदीने को जितना ज्यादा ट्रिम करेंगे ना उतना अच्छा वो हमारी जुबान में कहते हैं फरेगा। इस तरह से आगे दिखाओ, ये जो जगह पास आओ नीचे दिखाओ, ये जो जगह जड़ों वाली नीचे जड़े हैं ना, टहनियाँ जो है ना इससे ऊपर ऊपर जहाँ से ग्रीन स्टार्ट होता है ना, यहाँ से हम इसको ट्रिम कर लेंगे। जब इसको ट्रिम करेंगे ना फिर ये ज़्यादा बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा निकलेगा। ये देखें, ये देखें पुदीना, पुदीना हमने इधर डाल दिया तो जड़े छोड़ दिए नीचे, अब इसको पानी लगेगा फिर ये और अच्छा निकलेगा। ये हाँ जी, ये तो इतना पुदीना कट गया, अभी इसमें देखेंगे कोई जड़ी बूटियां तो नहीं है। मेरे पास फिजा आके खड़ी हो गई, बाबा ये क्या कर रहे हैं। ये देखेंगे हमारे घर का पुदीना इतना सारा हो गया, अभी ये भी थोड़ा सा रहता है, ये भी कटिंग करेंगे और फिर मैं इसमें देखेंगे ये पत्ते वाली ये जो बूटियाँ लगी हुई हैं इधर लेके आओ, ये देखें ये बूटी लगी हुई है ये वाली, इसको निकाल देंगे, इसकी वजह से फिर पुदीना हमारा जो होता है ना वो ख़राब होता है। ये देखें ये छोटी बूटी निकाल देंगे बाहर, जो पत्ते वाले ये वाली है इसको हम निकाल देंगे, ये जो बूटी है इस तरह की जो भी एक्स्ट्रा लगे हुए ना पौधे बीच में वो निकाल देंगे सारे। फिजा आप क्या कर रही हैं? फिजा भी वीडियो बना रही है मेरी। अच्छा इस सारे को अलग कर लेंगे, बाकी सारा पुदीना हम अलग कर लेंगे। पुदीने से ये होगा कि इतना सारा पुदीना है इसमें से कुछ हम सुखा लेंगे और कुछ की हम चटनी बना के फ्रीज कर लेंगे, जो ग्रीन चटनी होती है वो बना के फ्रीज कर लेंगे, क्यूब्स बना लेंगे उसमें, जब भी हमें ज़रूरत पड़े कोई मेहमान आ जाए या जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम थोड़ा सा दही लेंगे उसमें ये चटनी डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और चटनी हमारी रेडी हो जाएगी। ये इसलिए अभी मैं सारा काट लूँ फिर आपको दिखा। अभी बात ये है पर पास हो, जब हम इसकी ट्रिमिंग नहीं करेंगे ना तो ये देखें ये इधर कुछ पुदीना सूख गया हमारा, ये देखें ये पानी लग लग के ना जो नीचे हो जाता है ना ये सूख जाता है। ट्रिमिंग करने से ये होता है कि नीचे तक धूप जाती है, सारी जड़ों को धूप लगती है, ये मिट्टी को धूप लगेगी तो हमारा पुदीना सही से उगेगा। ये देखें ये इधर कुछ एरिया जो है ना ये काला हो गया, ये जल गया पानी की वजह से, तो ट्रिमिंग करने से ये होगा कि हमारा पुदीना अच्छा क्या कहते हैं फरेगा। पुदीने की सारी कटिंग हो गई है, देखें इसकी हिजामत हो गई है। फिर आप क्या पूछ रही थी, बाबा क्या कर रही हैं? बाबा कटिंग कर रहे हैं इसकी, क्या कर रहे हैं इधर आओ, बाबा क्या कर रहे हैं? कटिंग कर रहे हैं। अच्छा ट्रिमिंग कर रहे हैं कह रही हैं, ट्रिमिंग कर रहे हैं जी।
यहाँ पे फिजा भी खेल रही है। फिजा अपी और आपा किधर हैं? अपी आपा किधर हैं? दादू के घर हैं। अपी आपा दादू के घर। अच्छा फिजा की दादू के घर? आपकी दादू के घर गई है? नहीं, के नहीं। आप ही घर आप ही दादू के घर गई थी ना? जी। नानो से मिल के आई है ना? बड़ी नानो से फिजा भाग क्यों नहीं है? गोल गोल भाग रही है। चलो जी हमारी कटिंग मुकम्मल हो गई है, ट्रिमिंग सारी हो गई है उस दिन की। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे, बाकी छोड़ देंगे। थोड़ा सूर्य नीचे चला गया अभी, ठीक है। आज तो वैसे ही बादल थे, थोड़े बादल रहे हैं, मिट्टी गर्म नहीं होगी इस टाइम। इस टाइम हम पानी लगा देते हैं, और आपने जब भी पानी लगाना हो, जब बादल नीचे चले, जब मौसम ठंडा हो जाए, यानी कि दिन के टाइम जब मिट्टी गर्म होगी उस वक्त पानी नहीं लगाना। और हम तो इधर आओ, ज़रा दिखाओ चाय की जो पत्ती होती है ना, जब चाय बन जाती है उसकी पत्ती भी हम इधर डालते हैं। ये खाद के तौर पर इस्तेमाल होती है। कोई भी आपकी सब्जियों में से कोई चीज़ बचती है, कोई भी चीज़ बचती है, फ्रूट में कोई पीस बचता है, बीज उसके बचते हैं, आप इसमें डालें, वो खाद के तौर पर इस्तेमाल होंगे। और ये गुटलियां भी डाली हैं किसी ने जी, ये किसी बच्चे ने गुटलियां भी डाली हुई हैं अंदर, खजूर की गुटलियां पड़ी हुई हैं। और बात ये है कि ऊपर करो जरा, एक और चीज़ मैंने देखी थी यूट्यूब पे ही देखी है, लेकिन वो कहते हैं कि जो एस्पिरिन की गोलियां होती हैं आपकी, डिस्प्रिन की गोलियां, दो से तीन गोलियां जो है पानी में डाल के उनको, जो भी आपका पौधा जल रहा हो, यानी कि जड़ ना पकड़ रहा हो, सेहत ना पकड़ रहा हो, तो उस पे एस्पिरिन की गोलियां डाल के पानी में उसका स्प्रे करें, वो जल्दी से वापस ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी तरीका है इसका। और खाद हमारे आपके घर की बन जाती है, जो भी आपका फ्रूट का कोई चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, वो उसमें डालेंगे वो खुद ही खाद बन जाएगी। अगर फ्रूट वगैरह धोते हैं उसका पानी भी डाल देते हैं? पानी भी डाल देते हैं। अभी टांगे थक गई हैं, अभी चलते हैं, पुदीना अंदर रखते हैं। अब इसको ये डंडियों से अलग करते हैं? नहीं, डंडियों से अलग नहीं करेंगे, जो सख्त डंडियां होती हैं उनसे अलग करते हैं, बाकी ये जो नरम होती हैं नहीं, ये तो छोटी वाली ग्राइंडर के अंदर हो जाएंगी। ये जो सख्त होती है ना, ये मोटी वाली, इनको उतारना होता है। बाकी बेगम साहब उठेंगी, वही खुद करेंगी, अभी वो सोई भी हैं, तो वो उठ जाएँ, वही सारा कुछ सेटिंग करेंगी इसकी। मुझे मैं ये काम नहीं करता, मैं कटिंग का ही काम करता हूँ। अभी चलते हैं अंदर और मेरा काम करता हूँ जी। तो व्यूअर्स, अभी जला बारिश स्टार्ट हो गई है बाहर बहुत ज़्यादा, तो उसके भी मैं नज़र आपको दिखाते हैं। अभी बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और बेगम साहब खाना बना रही हैं, रोटी शोटी तैयार हो रही है। हम कुछ सोडा सलफ लेके आए हैं, शॉपिंग करके आए हैं, जैसे ही घर पहुंचे हैं सारी बात, ये चीनी, ये सामान भी लेके आए हैं, ये हमारे केचप वगैरह आया है, दालें आई हैं, अभी ये सामान भी आया। तो अभी बेगम साहबा कुकिंग कर रही हैं, और कुड़ियाँ मेरी कपड़े चेंज कर रही हैं, और फिजा इधर खड़ी है, और एक स्कूल का बंदा ये भी आया। क्या हुआ? कुछ नहीं, बाहर बारिश तेज हो गई है, कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। चलो इनको बारिश का भी मनाजर दिखाते हैं, ठीक है? चलो बोलो दरवाजा। टूट टूट के छोटे होते जा रहे हैं। मेरा मोबाइल आज जी घर का काम शुरू होना था मेरे प्लाट पे, तो सारा प्रोग्राम खराब हो गया, ये बारिश हो गई है, ओले पड़ गए हैं। अभी देखेंगे कल स्टार्ट होगा, क्या देखेंगे। काम
जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। काइंडली हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें आगाह करते रहना कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो अब इंशाल्लाह हम अब घर का काम भी शुरू करवाएंगे तो उसकी वीडियोस भी आप तक जल्द से जल्द पहुँचाएँगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।